Question 30. A person 40 kilogram is managing to be at rest between two walls by pressing one wall A with hands and feet, another wall B by his back. एक आदमी जो है ए और बी वॉल के बीच में अपने को रेस्ट पे रखे हुए है. एक ए वॉल को वो हाथ और पांव से प्रेस किए हुए है और दूसरी वॉल को अपनी बैक से अपनी पीठ से प्रेस किए हुए है और आदमी क्या रेस्ट पे है. अज्यूम म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड हिज बॉडी इज 0.8. बॉडी उसकी बॉडी और वॉल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.8 है. एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स एट ऑल कॉन्टैक्ट्स की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू एक्ट करनी है. हम एक तो बताना शो दैट द पर्सन पुशेस द वॉल विद इक्वल फोर्स. दोनों वॉल को इक्वल फोर्स से वो पुश कर रहा है. पार्ट बी बताना फाइंड द नॉर्मल फोर्स. वो जिस फोर्स से बाय द आइदर वॉल ये दोनों वॉल्स को किस फोर्स से कौन प्रेस कर रही हैं आदमी को, आदमी पे कितनी फोर्स लगा रही है ए या बी जो है कितनी फोर्स लगा रही है ये बताना है. ठीक है, एक तो ये बताना था कि जो आदमी है इस पे भी ए वाल पे और बी वाल पे इक्वल फोर्स लगा रहा है और दूसरा बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी.